लो जी गाइस, ये रही भैया की पूरी शिट जू गैंग। इंपोर्ट का सर है, मदर फादर इंपोर्ट है। कहाँ से है इसके मदर फादर इंपोर्ट भैया? थाईलैंड इंपोर्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पाप्लो है, इसके फादर का नाम बबल है। ये मेरे सबसे ओल्डेस्ट फीमेल है ये। हाँ। ये एक अराउंड 9 ईयर ओल्ड है ये। आग खुजाते समय इसने आग फोड़ ली। मन तो हमारा था कि हमें शिट्जू दिखाया जाए थोड़ा सा और। बलजीत बोपारा भाई के पास जो क्रिस्टल है नहीं, उसका डायरेक्शन है। अरे वाह। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का ब्लॉग है वो बहुत खास होने वाला है। हर बार की तरह नागपुर में जब मैं होता हूँ, हम दो ब्लॉग शूट करते हैं। एक होता है पिछले वाला जो आपने देखा था दिन में, और एक करते करते शाम हो जाती है। तो अभी फिलहाल शाम के 7 बजे हैं, बट हम अच्छा खासा प्रबंध कर रहे हैं यहाँ पर लाइटों का। तो आज का ब्लॉग इसलिए खास होने वाला है बिकॉज जैसे पता आपको, नागपुर में मैं हूँ हमारे अविनाश भैया के पास, और उनके पास ना बहुत अमेजिंग शिट जूज हैं। तो बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र में जैसी शिट्जू की ब्रीडिंग या जैसे शिट्जू मैंने भैया के पास देखे हैं, बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को शिट्जू दिखाया जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं और कैमरा टर्न करते हैं। कैसे हो अविनाश भैया? ठीक, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार मेरा इंट्रो कर दो। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है? और एवरीबॉडी, व्हाट्सअप बोलो। व्हाट्सअप ऑल बढ़िया। भैया के साथ ऐसे मजाक चलता रहता है। तो भैया का जो सबसे मेन स्टड अभी शिट्जू का जो है, जो कि इम्पोर्ट है, ये इम्पोर्ट है राइट? इम्पोर्ट का सन है। इम्पोर्ट का सन है, मदर फादर इम्पोर्ट है इसके। मदर फादर इम्पोर्ट है। कहाँ से इसके मदर फादर इम्पोर्ट भैया? थाईलैंड इम्पोर्ट है ये। थाईलैंड इम्पोर्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पाप्लो है, इसके फादर का नाम बबल है। फादर का नाम बबल है। बबल। हाय पाब्लो। और अच्छा खासा वेल ग्रूम डॉग है, तो मेंटेन करने में टाइम लग। अरे 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 अरे, ये है गोल्डी। अरे गोल्डी, ओके। तो इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता होगा भैया मेंटेन करने में। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेन करने में अभी देखो कम से कम 2 घंटे के इसको ग्रूम वगैरह करने में। वाओ, क्या बात है। तो अभी इसको आप शोज वगैरह में भी लेके जाने वाले हो फ्यूचर? बिल्कुल, चैंपियन बनाएंगे। इसकी मदर फादर पूरी पेडिग्री चैंपियन है। अरे वाह यार। फादर थाईलैंड चैंपियन है। अच्छा। मदर भी थाईलैंड चैंपियन है, इंडियन चैंपियन है। वाओ। तो आपने मतलब स्पेशली स्टड क्यों रखना सोचा? क्योंकि पहले आपके पास बहुत सारी फीमेल्स हैं, और वो भी बचपन से आपने जो पाली हुई हैं। हाँ, सभी वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो मेल का लाने का क्या रीजन था? अभी कोई अच्छी क्वालिटी का मेल रहेगा तो जो प्रोड्यूस होने वाले पपी है वो भी ऐसे अच्छे सुंदर पपी रहेंगे। इस वजह से। वाओ, बहुत सही है। तो लो जी गाइस, ये रही भैया की पूरी शिट्जू गैंग। भैया ये इसको तो बड़ा सजा डरा के रखा हुआ है, इन बाकियों को क्यों, क्या सीन है? नहीं, बाकियों को कैसा है पता है क्या सर, जो ये सब मदर बनी हुई है। तो मदर में कैसे, जब पपी होते हैं मिल्क फीडिंग करते हैं। हाँ। तो पपी को मेंटेन करने में थोड़ी सी फीमेल को दिक्कत जाती है, इस वजह से ग्रूम करना पड़ता है। नहीं तो ये फीमेलें भी कम से कम 2 साल तक ऐसी ही थी पूरी। बट एक गाइस चीज देखिएगा कि पूरी ट्रिम नहीं है। हाँ। ये पूरा स्किन, पूरे बाल, इनके एक लेयर ऑफ हेयर है अच्छी खासी, है ना। तो ये जो फीमेल है, ये कौन सी फीमेल है भैया बताओ प्लीज? ये मेरे सबसे ओल्डेस्ट फीमेल है ये। हाँ। ये एक अराउंड 9 ईयर ओल्ड है ये। अच्छा। हाँ, ऑलमोस्ट इसकी ब्रीडिंग बंद ही है पूरी। ओके। तो इसकी आंखों में क्या दिक्कत है? मैसे ये आग खुजाते समय इसने आग फोड़ ली थी। ओके। तो इसका ट्रीटमेंट चालू है करीब करीब 6 महीने से। हम मेरे पास एक 13 साल की पग भी है, और फ्रेंच बुलडॉग मेरे पास 8 साल की फ्रेंच बुलडॉग पग भी है। ऐसा नहीं कि इसका ब्रीडिंग का काम खत्म हुआ तो हम किसी को भी दे देते हैं। यही चीज मैं भी आपको बताने वाला था गाइस। देखो बहुत सारी ना, ठीक है कुछ लोग करते होंगे, बट जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं मोस्टली यही देखता हूँ कि वो अपने एनिमल्स को लव करते हैं, वो अपने प्यारे बच्चों की तरह उनको रखते हैं, जैसे भैया ने रखा हुआ है। तो अगर वो ओल्ड एज हो भी जाते हैं और उनको कोई दिक्कत भी आ जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप की दिक्कत हो, वो ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग पर्पज से हो या ना, वो घर में ही रहेगी, बच्चों की तरह रहेगी जैसे उसको शुरू से रखा जाता है। तो ब्रीडिंग इज़ नॉट द मेन पर्पज, एनिमल लव जो है वो मेन पर्पज रहता है। जब हमारे भैया जैसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, और सभी देखो डॉग्स जो हैं भैया को बहुत प्यार कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो पूरा लाड़ चाहते हैं कि हमें मिला। तो ये भी उन्हीं लोगों के साथ हो पाता है जो डॉग्स को कम डांटते हैं, या जो डॉग्स के साथ थोड़ा बहुत अटैच होते हैं एटलीस्ट। ये तो गाइस यहाँ पे चिल कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक गोल्डन रिट्रीवर भी है, इसकी कितनी है भैया? ये अराउंड 11-12 महीने की है। 11-12 महीने की। उसको स्टैक में खड़ा कर रहे हैं पर वो नहीं होगी, वो बेचारी नहीं, कभी बेल्ट ही नहीं लगाए ना इसको, बिल्कुल भी इसको पट्टे वगैरह नहीं लगाते, पूरे खुले घूमते रहते हर जगह। वाह यार। तो अभी आपके पास टोटल कितने शिट्जूज हैं? वैसे बस इतने आपको दिख रहे हैं, 5-6 शिट्जू है। 5-6, 1-2-3 और 3-6 शिट्जू, और पपीज है जो लास्ट वीडियो में हमने दिखाए। पपीज है। वाह, ये देख रहे हो गोल्डन अब खड़ी है, देखो कितने प्यार से।
तो ये सभी के सभी डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उन दोनों को स्पेशली बंद किया गया है क्योंकि बहुत शरारती हैं, वो इतनी देर से शरारते कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ही सही बट उन्हें बंद कर दो। ये मन तो हमारा था कि हमें शिट्ज़ू दिखाया जाए थोड़ा सा और एक क्रिस्टल का सन है बलजीत भोपारा भाई के पास, जो क्रिस्टल है नहीं उसका डायरेक्ट सन है। अरे वाह, हेड देखो, कलर देखो भाई साहब, ये ब्रिंडल कलर है, ये मरले कलर है, मरले कलर है तो थोड़ा सा लाइट ऐसी है ना, लाइट हाँ। उसकी वजह से हमारे को लग रहा है नाइट में शूट कर रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ओए ओह माय गॉड वाओ, तो ये देख रहे हो कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। अरे अरे बस बस बाबा बस, तो यार इतने सारे डॉग संभालने में कितना आपको डाइट क्या लेते हो इन सभी डॉग्स को, क्योंकि इतने सारे शिट्ज़ू हैं, तो शिट्ज़ू वाले जिनके पास पालतू शिट्ज़ू है उनके मन में रहता होगा कि डाइट क्या खाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे मेंटेन है सभी। ये शिट्ज़ू ओनली रॉयल कैनन खाते हैं, ओनली रॉयल कैनन डॉग फूड। इनको चिकन राइस वाले है, जैसे कि ये चिकन राइस खाती है गोल्डी, हाँ। ये टाइगर चिकन राइस खाता है। अच्छा, और चिकन राइस जो बड़े डॉग है वो चिकन राइस खाते है, वन टाइम चिकन राइस है, वन टाइम रॉयल कैनन का स्टार्टर फूड खिलाते है, हाँ। लेकिन सिद्धू को टू टाइम ही खाना और डॉग फूड है। वाह यार सही है यार ये चीज़ तो। और ये भाई साहब खाते हैं, ये घास खा रहा है क्या? ओए गोल्डी, ये ओनली लेग पीस खाता है, लेग पीस खाता है, लेग पीस का बड़ा शौकीन है ये। ये देखना, आजा, ओए ओए ओए। तो ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ मेरे को ना मतलब ऐसी ब्रीड में देखने को मिलती है। देखो अभी उससे भी पंगा ले लेगा। हाँ ओए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओए बाकी गाइज, अगर आपको जो है इन पपी से रिलेटेड कुछ भी क्वारी करनी है, इन डॉग से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया की ऑलरेडी मैंने जो है सारी डिटेल दी हुई है। अरे वाह यार बहुत सही, होम ब्रीड की बहुत, नाम चुनचुन है, क्वालिटी देख सकते हो आप। चुनचुन छोड़ दो, मतलब मेन चीज कहना कि देखो डाइट कैसे मेंटेन है, कितनी इसकी स्किन, इसकी जो स्किन जो है कितनी शाइनी है, और देखो कितनी एक्टिव है, वो देखो देखो कितनी फ्रेंडली और कितनी एक्टिव है, वो देखो वो भागना है उसको, उसके उसके साथ पंगे लेने हैं उसको, बस देखो ये देखो उसके साथ पंगे ले रही है वो, देखो बस बस बस। हाँ सभी के सभी डॉग्स देख रहे हो कितने सारे प्लेफुल हैं, कितने एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फ्रेंडली डॉग है, ऐसा कोई एक मेक से लड़ते नहीं, इसकी साइज छोटी और इसकी साइज बड़ी है तो एक मेक से लड़ पड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं। तो सभी के सभी दिल से ओ भाई ओ क्या जंप था यार। आई होप आपका व्लॉग अच्छा लगा, एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, मैंने सोचा था कि अगर आप यहाँ पर हैं तो शिट्ज़ूज़ दिखाना स्पेशली बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर पुलकित भाई नागपुर आने के लिए, हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए, ये आपका बहुत बड़ा प्यार है कि आप इतने दूर से यहाँ तक आए और ब्लॉग शूट करें, वो भी इतनी रात में, आज ऑलमोस्ट 7:30-8 बज रहे हैं, अभी हम अमरावती से अभी यहाँ पे आए और इतने रात को ब्लॉग शूट करना कोई मामूली बात नहीं है, और ये सिर्फ काम पुलकित भाई कर सकते हैं और अरे नहीं नहीं। तो गाइज मैं भी भैया को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी जो ब्रीडिंग है या जो उनका प्यार है एनिमल्स को देख के ना, और इनकी जो मेहनती स्टोरी है, जो मेहनत करके ये आगे आए ना, मैं उसे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए फिर मैं सोचता हूँ कि काम ज़रूरी है, काम करना चाहिए। पुलकित भाई फॉर गिफ्ट मीमी और ड्रिल बाहर देके लड़ पड़ेगा इसके साथ। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।